दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गाइस अगर आप भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आपने फॉर्म फिल किया है तो गाइस आपको मीडिया में बहुत सारे एडमिट कार्ड को लेकर यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रहा होगा कि एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। और फाइनली फ्रेंड आपके माइंड में भी एक सवाल जरूर चलता होगा, सर एडमिट कार्ड आखिर किस डेट में यहाँ पे जारी होंगे। ठीक है, हमारे भी यहाँ पे व्यूअर्स जो है काफ़ी बार सवाल पूछते रहते सर कि जो एडमिट कार्ड होगा वो कब से जारी होगा। जैसे कि राकेश रावत ने यहाँ पे सवाल किया कि सर एडमिट कार्ड कब से आएंगे, मीन्स कि पीबी एडमिट कार्ड कब जारी करेगा। तो चलते हैं गाइस पीबी की ऑफिशियल साइट पे, आपको बताते हैं कि आपके एडमिट कार्ड होंगे वो किस दिन। तो गाइस मैं आ गया हूँ पीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले गाइस बता दूँ आपको जो एडमिट कार्ड जब भी आपका आएगा वो आप कहाँ से चेक करेंगे, तो आपको यहाँ पे होम पेज दिखेगा जब भी पीबी की, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एडमिट कार्ड का। जैसे गाइस आप एडमिट कार्ड के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एग्जाम डेट एडमिट कार्ड आपके आएंगे वो आपका यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही है आपको, जो भी यहाँ पे एडमिट कार्ड आए हुए हैं, जो भी पीबी के जो भी एग्जाम्स हुए हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया में कुछ भी वायरल हो रहा है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपके जो एडमिट कार्ड होगा आपको भी पता है कि आपका जो एग्जाम्स है वो 6 अप्रैल से यहाँ पे फिक्स कर दिया पीबी ने, ऑफिशियल अपडेट भी दे दिया है। अब देखिए भाई आपका 6 अप्रैल को यहाँ पे एग्जाम्स होना है तो उसके 10 से 15 दिन में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। आपको भी पता कि आपका जो एग्जाम्स होगा गाइस वो मिनिमम आपका 2 मंथ चलेगा। ठीक है, 2 मंथ चलेगा तो गाइस यहाँ पे बता दूँ आपका कम से कम 2 फेज में आपका एग्जाम लिया जाएगा। या तो पीबी ये कर सकते हैं कि एक ही बार में आपका एडमिट कार्ड जारी कर देगा सभी का कि कब कब किसका एग्जाम है, या फिर ये कर सकते हैं जैसे कि एनटीपीसी में यहाँ पे एग्जाम जो हुए हैं वो 5 फेज में एग्जाम कंडक्ट करा रही है यहाँ पे रेलवे, तो उसकी तरह भी हो सकता है। लेकिन अभी तक में जो होता है पीबी की जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें स्टार्टिंग में भी आपका एडमिट कार्ड जारी कर देता है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका किस डेट को एग्जाम्स होना है। तो बिल्कुल आपको ज़्यादा फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देना, सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं देना कि एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं ये है वो है। आपको सिर्फ क्या करना है, जब भी आपका यहाँ पे आएगा 20 मार्च उस दिन से आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। और आपको हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी या फिर किसी यूट्यूबर के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप खुद से ऑफिशियल साइट पर जाकर यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया है एडमिट कार्ड में देख सकते हैं। तो फालतू की वायरल न्यूज़ पे आप ध्यान ना दें, अपनी स्टडी पे फोकस करें। जो भी आपका सिलेबस टॉपिक्स और कैसे स्टडी करना है वो सारी चीज़ों में ध्यान देने की जरूरत है। कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको यहाँ पे, ऑनलाइन टेस्ट देना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो फालतू के ये जो भी वायरल न्यूज आती है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको जब कब चेक करना है, आपको 20 मार्च के बाद ही आपको एडमिट कार्ड चेक करना है। ठीक है, उसी से पहले आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा क्योंकि आपका जो एग्जाम्स है वो 6 अप्रैल से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलो गाइस आज के अपडेट में इतने, क्योंकि बहुत सारे डाउट रहते हैं इसलिए आप लोग सवाल करते हो, मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लोग के थैंक यू।